नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज वज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग। एसबीआई कलर्क के प्रीलिम्स में 2016 में जो रीजनिंग पूछे गए थे, पूरे के पूरे कंप्लीट सेट को हम देखेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आप आसानी से रीजनिंग में 30+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप 35 तक भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो आसान होता है। और मैं बताऊंगा कि मैथ्स में कितना स्कोर करना चाहिए, रीजनिंग में कितना स्कोर करना चाहिए। सभी के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम 2016 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 2016 में किस प्रकार पूछे गए थे। और आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा कि 17, 18 और 19 और 20 इन सब ईयर के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं सभी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे चैनल पे आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आसान क्वेश्चन खोजना है। आप जरूरी नहीं है कि इन इक्वेशन आपको 5 ही क्वेश्चन दिया हो सकता है इन इक्वेशन बहुत कम दिया हो। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है? आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा मैं हल्का सा लिख देता हूँ, सी ग्रेटर देन इक्वल टू में डी, दिख रहा होगा आप लोग को, ग्रेटर देन में ई, इक्वल टू में एम, लेस देन जे, इक्वल टू में एल, ठीक है ना? अब आपको निकालना है कि एल ग्रेटर देन में ई होगा कि नहीं। एग्जाम में लिखिएगा नहीं, यहाँ मुझे बताना है, इसलिए मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं हम लोग, एल से ई तक जाना है। अब एल यहाँ पे है, एल के बाद ग्रेटर देन का साइन तो है सही है, और इक्वल टू का साइन है, मतलब कहीं भी ये मिसमैच नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद सी ग्रेटर देन इक्वल टू में जे, तो सी के बाद ग्रेटर देन का साइन है, सी के बाद यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, और यही साइन जे तक मेंटेन होना चाहिए था, बट यहाँ पे साइन मिसमैच हो गया। ये साइन ऐसे है ना, ये साइन इस तरह हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू सब जगह मेंटेन होना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली वन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर वन बन गया। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं जल्दी से, पी इक्वल टू में एन लेस देन इक्वल टू में क्यू, ग्रेटर देन में आर, ग्रेटर देन में टी, इक्वल टू में एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू में एस, नंबर टू में हो जाएगा पी लेस देन इक्वल टू में क्यू, ठीक है? तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग देखते हैं एन से एस तक जाना है, एन यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, यहाँ चाहिए था हम लोग ग्रेटर देन, बट यहाँ पे लेस देन है, तो ये गलत हो जाएगा, साइन मिसमैच हो गया। जहाँ साइन मिसमैच करेगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, पी लेस देन इक्वल टू में क्यू, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, ये पहुँच जाता है ना, इक्वल टू के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये साइन ऐसे है कुल मिला के, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू, और इसका क्या हो जाएगा, केवल वन हो जाएगा, केवल एक सही है बाकी गलत है। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देख के बनाना होगा, ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया होगा। तो फिलहाल हम इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ से हटा देते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू में पी इक्वल टू में आई ग्रेटर देन में एम लेस देन में टी ग्रेटर देन इक्वल टू में वी ग्रेटर देन में एच। अब यहाँ पे दिया है कि एम लेस देन इक्वल टू में जे, और यहाँ एच लेस देन इक्वल टू में एम, लेस देन इक्वल टू में एम। तो एम से जे तक जाना है, तो एम यहाँ पे है, जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो लेस देन का साइन देखिए मेंटेन हो गया, हर जगह लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये सही हो जाएगा। और एच लेस देन इक्वल टू में एम, एच के बाद देखना है कि लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे मिसमैच कर गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका भी ओनली वन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्यू लेस देन एक्स लेस देन ई ग्रेटर देन एफ डी ओ के इक्वल टू में जी। अब यहाँ पे डी से क्यू तक जाएंगे, डी से क्यू तक जाएंगे, डी से क्यू तक जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में ई हो जाएगा। अब डी ग्रेटर देन में क्यू हो जाएगा, तो डी देखिए यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू है, कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे लेस देन का साइन हो गया,
बट हमें जी के बाद कौन सा साइन चाहिए, ग्रेटर देन, और यहाँ प्लेस्टिन का साइन है तो ये गलत हो जाएगा। के से ई तक जाना है, के यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो यहाँ यहाँ साइन होना चाहिए था लेस देन इक्वल टू, बट यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो साइन मिसमैच कर गया, तो नाइदर हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अब वे हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं आप मुश्किल से 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं तो, बट SBI इस क्वेश्चन को मतलब 1 से 2 क्वेश्चन देगा इस बार। 2016 का सेट है इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, क्यू लेस देन इक्वल टू में ई और जी ग्रेटर देन में एफ। अब क्यू कहाँ पे है देखिए, तो क्यू 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 यहाँ पे है, लेस देन का साइन मेंटेन हो गया, ई तक भी पहुँच गया, कहीं मिसमैच नहीं किया, तो ये सही हो जाएगा। और जी ग्रेटर देन में एफ, तो जी ग्रेटर देन में एफ देखिए, तो जी यहाँ पे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी साइन सही है, मतलब इसका हो जाएगा बोथ बोथ 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो हमने 5 क्वेश्चन बना लिए इन इक्वेशन के, इन इक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन हमने बना लिया। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को अब हम क्वेश्चन यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और SBI खासकर इस क्वेश्चन को इस बार भी पूछेगा किसी ना किसी सेट में, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे, क्या पूछा गया देखिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन को चाहूँ तो जूम कर सकता हूँ यहाँ पे, या रहने देता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर, ठीक है ना, प्रत्येक डिजिट में 2 ऐड किया जाए तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, मतलब 3 के टेबल में आएंगे। तो 3 के टेबल में आने के लिए संख्याओं का जो योगफल होता है ना, जो संख्याओं का सम होता है, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 684 है, इसको अगर ऐड करेंगे हम 14 4 18 हो जाएगा, 18 में 2 ऐड कीजिएगा 20, 20 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये कट गया पहला ऑप्शन, ये नहीं होगा। उसके बाद 512 को देखिए, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस में 3 11 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, 11 भी नहीं आता है 3 के टेबल में। 437 तो हो जाएगा 7 14 14 3 17, तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 385 11 8 3 11 5 16 16 3 19, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी निकल जाएगा। उसके बाद 296 11 11 6 17 2 19, 11 6 11 6 17, 1 मिनट, 11 होता है ना, 6 17 प्लस में 2 19, ये भी नहीं होगा, तो कोई संख्या ही नहीं हुआ। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं, नन ऑफ दिस तो है, नन भी ऑप्शन में दिया है, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट ऑफ इच नंबर, पहले डिजिट में ऐड किया जाए, हाउ मेनी नंबर 10 विल बी डिविजिबल बाई 3। तो एक बार देख लीजिएगा, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है या मैंने सही बनाया है, देख लेते हैं। 684 को ऐड करेंगे तो 6 14 18 3 21, अच्छा 18 18 2 20 होता है ना, 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 512 5 3 8 3 11, ये भी नहीं होगा, 7 14 3 17, ये भी नहीं होगा, 11 11 5 16 3 19, 9 2 11, मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीज होगा, आप लोग देख लीजिएगा, आगे देखिएगा, नन होगा, नन ऑफ दीज नहीं, नन होगा। आगे देखिए, इफ ऑल डिजिट इन इच नंबर और इच नंबर ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्वेश्चन आपके सामने है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, घटते क्रम में, तो अगर अरेंज करेंगे तो 864 हो जाएगा, उसके बाद 521 हो जाएगा, उसके बाद 743 हो जाएगा, 853 हो जाएगा, 962 हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हाईएस्ट इन न्यू अरेंजमेंट, हाईएस्ट पूछना है, तो ये 962 जो है ना हाईएस्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 296, क्योंकि 296 से ही आपका 962 बना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 296, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द नंबर इफ सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड लोवेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाई थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे,
ये हम लोग करेंगे इस चीज को. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ ए सेकेंड डिजिट ऑफ दी सेकेंड लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई दी सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर. तो सबसे पहले सेकेंड लोएस्ट नंबर लिखे 385, और उसके बाद हम लोग को लिखना है सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई द थर्ड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर, मतलब 684. इसका तीसरा, इसका सेकेंड. 8 भागा 4 कितना होता है? 2. तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है. चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जल्दी बन जाता है तो इसको चाहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, बना सकते हैं. इफ वन एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड टू एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ इस नंबर. तो ऐड कीजिए 1 पहले अंक में और लास्ट में 2 ऐड कीजिए. तो पहला नंबर बन जाएगा 786, दूसरा बन जाएगा 614, तीसरा बन जाएगा 539, चौथा बन जाएगा 487, उसके बाद 398. तो यहाँ पे 398, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्वेश्चन देखना है क्या दिया हुआ है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकेंड हाइएस्ट नंबर. तो सेकेंड हाइएस्ट नंबर पूछा है हम लोग से, तो सेकेंड हाइएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट हाइएस्ट नंबर, सेकेंड हाइएस्ट नंबर पूछा है ना, तो सेकेंड हाइएस्ट नंबर ये 614 मुझे दिख रहा है सेकेंड हाइएस्ट नंबर, मतलब 512. मतलब इसमें इतना ऐड भी नहीं करना था दोस्तों, आप सीधा देख के बता देते, क्योंकि कुछ भी ऐड कीजिएगा ना तो सबके साथ वही ऑपरेशन कर रहा है, तो सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इतना कहानी आपको करना नहीं है. सीधा सॉल्यूशन में देखिए कि 684 जो है, मतलब सीरीज में 684 हाइएस्ट है, सेकेंड हाइएस्ट 512 है. ठीक है, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसे बना दिया, बट आपको एग्जाम में ध्यान देना है, टाइम बचाना है. आगे देखिए, इफ ईच ऑफ द नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज विच ऑफ द हाइएस्ट नंबर. तो चेंज इंटरचेंज करते तो 864 बन जाएगा, उसके बाद 152 हो जाएगा, 347 हो जाएगा, उसके बाद 845 हो जाएगा, उसके बाद 926 हो जाएगा. अब इसमें पूछा है हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, तो देखिए ना 926 बन रहा है ना हाईएस्ट नंबर, तो आपका यही आंसर हो जाएगा. तो हमने 10 क्वेश्चन बना लिया. ठीक है, अब हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन. ये सब ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको गलत होने का बहुत कम चांसेस है. ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा. रीजनिंग दोस्तों बहुत जल्दी बनता है, रीजनिंग में आपको टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, केवल आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन आसान पूछा जाएगा, आप रीजनिंग बना सकते हैं. W परसेंटेज 93 कुछ दिया हुआ है, एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है ये. ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ऑल नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेवन फ्रॉम द सेवंथ टू द लेफ्ट, सेवन टू द लेफ्ट, सिक्स फ्रॉम द राइट. तो लिख लीजिए ना, सेवन फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स फ्रॉम द राइट. लेफ्ट राइट होता है, अपोजिट हो गया तो प्लस करेंगे, मतलब 13, और ये अंतिम में आ रहा है राइट, तो राइट को ले लेंगे. अब 13 फ्रॉम राइट सीरीज में काउंट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको. एच ए नंबर को छोड़ के, नंबर को मन में ही आप छोड़ दीजिए, गैप के सीरीज लिखिएगा टाइम लग जाएगा, सीरीज नहीं लिखिए, नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है उसको छोड़ के राइट से 13 काउंट कीजिए. मतलब राइट ए कौन सा साइड हो जाएगा, राइट हो जाएगा इस साइड से काउंट कीजिएगा. ठीक है, ये साइड होता है लेफ्ट, ये साइड हो जाएगा राइट. आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल. तो अगर हम लोग सीरीज में देखेंगे तो परसेंटेज 9 एक बनेगा. ठीक है, जो जिसके आगे सिंबल है, सात के आगे हैश है, तो दूसरा सीरीज ये बनेगा. कॉपीराइट के आगे क्या है? 4. तीसरा ये बनेगा, तो कितने हो जाएंगे आंसर? 3. देखिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया. आगे आगे पूछा है कि गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में कि 9W इज ए टू जी एच हैश एंड $7 इज टू 2BM इन सेम वे 4J का मतलब क्या होगा. तो सीरीज में देखिए, आप लोगों के सामने सीरीज है ऊपर में, ठीक है ना, तो सीरीज में देखिए कि 9W
9W, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, 9 के आगे तरफ W है, 9WGHS, मतलब 9 के बाद एक गैप छोड़कर GHS को लिखना है। तो सेम देखते हैं, $7, डॉलर के बाद एक गैप छोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, एक गैप छोड़ेंगे तो BM आ जाएगा, ठीक है, 2BM आ जाएगा। उसी तरह आप अगर आप देखेंगे 4J, 4J एक गैप छोड़ देंगे तो E आ जाएगा, E के बाद एक अक्षर छोड़ दीजिए तो E के बाद एक अक्षर छोड़ देंगे तो @ और Z आ जाएगा, बस ये आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी बन गया, रीजनिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ इमीडिएटली फॉलोड बाई ए लेटर। तो अगर हम लोग देखेंगे, सिंबल फॉलोड मतलब आगे होता है, प्रेसिड मतलब पीछे होता है, तो एक ये बनेगा डॉलर एल स्टार बी, और तीसरा बनेगा @Z, तो कितने हो जाएंगे 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 देखिएगा, इफ ऑल सिंबल्स आर डिलीट फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लिख लीजिए ना ऐसे, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12 फ्रॉम द राइट, 12 फ्रॉम द राइट, लेफ्ट राइट हमेशा क्या होता है ऐड होता है, तो 16 फ्रॉम द राइट, और किसको डिलीट करना है, सिंबल को, तो सिंबल को डिलीट कर लीजिएगा मन में और काउंट कर लीजिएगा कंप्यूटर स्क्रीन से ही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने अभी तक 15 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है ना, तो 15 क्वेश्चन आप इसी सीक्वेंस में चाहे तो बना सकते हैं, केवल आपको लगना चाहिए कि क्वेश्चन आसान है। अब मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ, अब एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है तो आसान पूछा जाएगा। SBI देखो, देखिए देखिए दोस्तों, हर साल चेंज करता है तो इस बार भी चेंज करेगा, बट क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, केवल आप विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, कम से कम 50 मॉक टेस्ट बना के जाइए, 50 मॉक टेस्ट बना के जाएंगे तो मैं बोलता हूँ 100% गारंटी के साथ आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनसाइड है, कलर का क्वेश्चन है, फेसिंग सेंटर लिखा हुआ है, अब ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसको लिख लीजिए A3B, ऐसे लिख लीजिएगा डेटा, बहुत काम आता है। वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब ए के बारे में, ए सेकेंड राइट ऑफ एफ, ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द ए और बी, मतलब डी का रिलेशन ना तो ए के साथ है ना ही बी के साथ है, ऐसे लिख लीजिए। सी एंड जी ऑलवेज सिट, सी और जी जब भी बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, मतलब एच और डी का कोई रिलेशन नहीं है, एच और डी का कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, मतलब सी और बी का कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग कहाँ ज़्यादा आदमी बैठा सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें प्रॉपर सिक्वेंस जरूरी है, बट हालांकि ये कलर के का क्वेश्चन है तो उतना हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ बी को बेस मानेंगे क्योंकि बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, तो बी को मान लीजिए यहाँ बैठा लीजिए, और लेफ्ट साइड इस साइड, ये हम लोग का राइट होगा, ये हम लोग का लेफ्ट होगा, ये राइट ये लेफ्ट। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ए, उसके बाद ए सेकेंड राइट ऑफ एफ, एफ यहाँ पे राइट इस साइड जा रहा है ना, तो एफ हो जाएगा, मतलब ये दोनों डेटा कंप्लीट हो गया। अब डी के साथ ए और बी का रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, और बी सी के साथ बी और बी का रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, तो ये डेटा कंप्लीट, ये डेटा कंप्लीट। सी और जी जब भी बैठेगा तो एक साथ बैठेगा, तो मान लीजिए सी को यहाँ बैठा लीजिए, डी को यहाँ बैठा लीजिए, सी और जी, जी यहाँ पे बैठेगा या यहाँ भी बैठ सकते हैं, सी जी ऐसे करके, बट अभी फिलहाल हमने रिक्स लिया है तो देखते हैं सही होता है कि गलत होता है, ठीक है। सी और बी एक साथ नहीं बैठेंगे तो वो भी तो सही है, सी और बी एक साथ नहीं बैठेंगे, और सी और बी एक साथ नहीं बैठेंगे, और कुछ इसमें है, सी एंड जी ऑलवेज सिट इच अदर हो जाएगा, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, तो एच जो है ना डी के अगल बगल नहीं बैठेगा, तो अब यहाँ पे डी बैठेगा या फिर यहाँ पे, तो
तो चलिए एच को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं, एच को हम लोग वहाँ पे बैठा लेते हैं, और डी कहाँ नहीं बैठेगा। अब डी के लिए यहाँ भी पोजीशन खाली है, यहाँ भी पोजीशन खाली है, एच और डी एक साथ नहीं बैठेगा। तो एच और डी एक साथ नहीं बैठेगा तो वो तो सही है, तो डी और इसको हटा देते हैं, सी को, सी बैठ चुका है। अब दिक्कत कहाँ पे हम लोग को, एक तो डी को बैठाना है और ए के एच को बैठाना है, तो कुछ मिसिंग नहीं है ना, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी लिख लिया हमने, वाइल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ है। डी डज नॉट ए सीटे नेक्स्ट टू बी के बगल में नहीं बैठेगा, देखिए बी के बगल में भी नहीं बैठेगा, यही मिस हो रहा था। तो डी यहाँ बैठेगा और ई यहाँ पे बैठेगा। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान था, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। चलिए मैं 5 क्वेश्चन आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग इन 5ों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बना दिया है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसलिए इन 5ों क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, ठीक है? आप लोग देख के कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे एक और पजल होगा, तो पहले हम एक और पजल को बनाते हैं, ठीक है ना? पजल आसान होते हैं दोस्तों, पजल पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि पजल आपसे बन जाएंगे तो पजल को बनाइए, ठीक है? पजल में आप फंसेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं बना पाएंगे तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है? मैं तो एग्जाम में पजल पहले बनाता हूँ क्योंकि मुझे पजल बनाना अच्छा लगता है। और मान के चलिए कि 20 नंबर का पजल आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो पजल, डी आई, नंबर सीरीज, मतलब सीरीज टेस्ट, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यही सब आपको पास करवाने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन भी हो जाते हैं उसमें। देखिए 31 से 35 वाला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि 6 फ्रेंड है, तो सबसे पहले 6 दोस्त है, ऐसे करके हमने बना लिया। 6 फ्रेंड है, अलग अलग दिन कहीं जाते हैं, मंडे से लेकर शनिवार तक। तो मंडे यहाँ सेट कर लीजिए, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा और सैटरडे हो जाएगा, मंडे से लेकर शनिवार तक, मतलब 6 दोस्त है। तो यही कॉलम बनेगा, 2 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, हो सकता है गलत हो जाएंगे, बट छोटा सा क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होगा, ठीक है? कहीं जाते हैं, सी गेव एग्जाम एटलीस्ट बिफोर 3 एग्जाम, मतलब 3 एग्जाम के पहले सी एग्जाम देता है। तो सी कम से कम 3 एग्जाम के पहले एग्जाम देता है, तो कम से कम 3 एग्जाम के पहले सी एग्जाम देता है। तो 6 फ्रेंड ए बी से एफ तक दिए, आर गोइंग एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिन दिया हुआ है, ओनली 1 एग्जाम विल बी हेल्ड इच डे। सी गेव एटलीस्ट बिफोर 3 एग्जाम, मतलब सी 3 एग्जाम के पहले होता है, कम से कम 3 एग्जाम के पहले, तो ऐसे लाइन खींच लीजिए आप, कम से कम 3 एग्जाम के पहले, मतलब 1 2 3, ठीक है? तो मान के चलिए सी यहाँ पे होगा, नहीं तो मान लीजिए सी यहाँ पे होगा, अभी 2 ही कंडीशन मान के चलते हैं हम लोग, एक गलत होगा तब दूसरे को सोचेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो सी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ गिव एग्जाम ट्यूजडे, बहुत अच्छा, मंगलवार को देता है एफ, तो यहाँ पे एफ फिक्स हो गया, ट्यूजडे हो जाएगा। बोथ बी एंड ई डज नॉट गिव एग्जाम 1 इवेंट डे, मतलब इवेंट डे को नहीं देता है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो इवेंट डे को कौन कौन नहीं देते हैं, बी और ई, तो यहाँ लिख लीजिए बी और ई को इवेंट से दुश्मनी है, ठीक है? ये लिख लिया हमने, जब यूज होगा तो लगाएंगे उसको। डी इज गोइंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर सी, मतलब सी के तुरंत बाद डी देता है, तो डी सी के तुरंत बाद देगा तो गुरुवार को ही दे सकता है मेरे हिसाब से, और या तो वेडनेसडे को दे सकता है अगर हम दूसरे टेबल को माने, बट ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है हम लोग को। आगे, एटलीस्ट 4 पर्सन गोइंग एग्जाम आफ्टर ई, ई के बाद कम से कम 4 लोग जाएंगे, तो ई के बाद कम से कम 4 लोग जाएंगे, तो ई के बाद मान लीजिए यही पे ई हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो एफ फिक्स हो गया, अब ई यहाँ फिक्स करेंगे तो 3 ही लोग हो जाएंगे, तो ई का पोजीशन फिक्स हो गया, वहीं पे होगा। और बी और ई दोनों में से दोनों इवन डेट पे नहीं है, तो बी और ई, बी मान लीजिए बी को यहाँ रख देते हैं, ये ऑड हो गया, और ई, हाँ सही है, ई ऑड पे हो गया, बी भी ऑड पे हो गया, अब एक कोई बच गया, कौन सा बच गया, ए, ए हो जाएगा शनिवार को,
देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बट अब जो लेवल होगा वो हार्ड होगा। ये 2016 का क्वेश्चन था इसलिए आपको आसान दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको हटाते हैं। ये समझ में आ गया होगा, पांच क्वेश्चन मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। क्या मतलब इसमें जरूरी नहीं है शो करना, क्योंकि अगर ये पजल आप बना लेते हैं ना तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। मेन आपको पजल बनाना है, पजल बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अट्ठाईस से लेके 30, देखिएगा 30 वाला ज़्यादा आसान दिख रहा है, वो तुरंत बन जाएगा, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बिना पेन उठाए भी बन जाएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 30 है, टी जी एच यू बी आई जे डब्ल्यू, 20 7 8 21 22 9 10 23। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग को देखना है, ठीक है। तो टी के बाद एच यू, 13 13 और यहाँ 13, मतलब गैप तो दिख रहा है 13 होना चाहिए। तो के का होता है 11, वाई का 25, तो ये नहीं होना चाहिए, 13 का गैप नहीं है यहाँ पे। के एक्स हो सकता है क्योंकि 11 और 24 ये में भी हो सकता है। उसके बाद वाई के 25 और 11 ये नहीं होगा। उसके बाद एक्स है, मतलब इसी का उल्टा लिखा हुआ है, 24 और 11, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो सभी के बीच में देख रहे होंगे ना 13 का गैप है, तो यहाँ पे गैप क्या हो गया, घटा। फिर यहाँ गैप क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, फिर से माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे घटेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी दिया है ना, हाँ डी दिया हुआ है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान था, तुरंत बना सकते थे, एक नंबर मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, आगे है इनरो 34 स्टूडेंट W, 34 स्टूडेंट में W इज फिफ्थ आफ्टर X, W इज फिफ्थ आफ्टर X। X मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, W यहाँ पे, W इज फिफ्थ आफ्टर X है 34 में से, ठीक है। X इज 20 फ्रॉम द बैक, मतलब बैक से ये 20 है, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे तो 20 पोजीशन पे है, तो इससे पहले कितने बच्चे होंगे, 14 बच्चे होंगे एक्सेस से पहले। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू, अब डब्ल्यू का पोजीशन हमसे पूछा है कि डब्ल्यू का पोजीशन क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये 14 एक 15 हो जाएगा, और 15 प्लस में 5, ये देखिएगा ये 14 हो गया, अगर एक्स को इंक्लूड करेंगे 14 प्लस में 1, और ये 5 से पोजीशन बाद है तो प्लस में 5, मतलब ये हो जाएगा 20वें नंबर पे W है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको लगता है कि आसान है तो तुरंत बनाइए, क्योंकि आपका टारगेट है 35 बनाना। तो रीजनिंग में स्पीड लाइए, क्योंकि रीजनिंग में बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा स्कोर करते हैं। 32 76 18, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि पजल में फंसे नहीं। अब इनको बोला गया कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमसे पूछा यहाँ पे कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जो रिमेन अनचेंज है, तो 8 एक नहीं है, 6 नहीं है, और 3 नहीं है, मतलब 3, ऑप्शन नंबर डी, डी में दिया है ना 3, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 28 से 30 तक हमने बना लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं 26 27, देखिए 26 27 देखिएगा कि ए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम पी, ए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम पी, पॉइंट पी से स्टार्ट होता है और रन 10 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ में जाता है पी से स्टार्ट होके 10 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, इट टेक ए राइट टर्न एंड रन 15 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट जाता है, तो यहाँ से राइट मतलब क्या होगा, इस साइड, और राइट जाता है यहाँ से 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर राइट जाता है, मतलब हम लोग ऐसे चले चले जाएंगे 15 किलोमीटर राइट जाता है, और शायद किसी क्यू पॉइंट पे रुकता होगा या कोई भी पॉइंट पे रुकता होगा, दिया नहीं है यहाँ पे। नाउ इट रन 6 किलोमीटर
लेफ्ट जाता है। अब यहाँ देखिएगा लेफ्ट जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा जो कि दिख रहा होगा 6 किलोमीटर जाता है ऊपर की तरफ, ऐसे करके लिख लीजिए 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, मतलब इस साइड मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है लेफ्ट, और 15 किलोमीटर फिर जाता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। अब पूछा है कि यहाँ पे क्यू पे मिल जाता है, मतलब क्यू तक पहुँच जाता है। अब हम लोग से पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में, हाउ फार क्यू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पी, 10 और 6 16, 10 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर दूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। आगे आगे पूछा है, टुवर्ड विच डायरेक्शन वॉज व्हीकल मूविंग बिफोर इट स्टॉपिंग पॉइंट क्यू, क्यू से क्यू पे रुकने से पहले कौन से डायरेक्शन पे है, तो कौन से डायरेक्शन में है जल्दी से बता दीजिए आप, तो वेस्ट में, क्योंकि ये अगर हम लोग देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो क्यू कहाँ पे है, वेस्ट में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मैं हार्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी 2016 में आसान क्वेश्चन पूछे गए थे तो आसानी क्वेश्चन से ही। अब बचा कोडिंग डिकोडिंग, देखते हैं। ये दिख गया कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग चाहे तो आप लिख के भी बना सकते हैं या देख के भी बना सकते हैं, एग्जाम में जैसे आपको मन हो वैसे बनाइए। लिख के बनाइएगा तो 5 मिनट लग जाएगा, देख के बनाइएगा तो तुरंत बन जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल एस्पिरेंट्स मस्ट क्वालिफाई रिटन एग्जाम इज रिटन एज ना लीजा क्वालिफाई इन ऑल सब्जेक्ट। अब देखिए इसको शॉर्ट में अगर लिखना तो कैसे लिखेंगे, एस पी, ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए, मस्ट को MST लिख लिए मस्ट, उसके बाद क्वालिफाई को क्यू से लिख लीजिए, इज रिटन एज ना ली जा पा, ठीक है, उसके बाद क्वालिफाई इन ऑल सब्जेक्ट, क्वालिफाई इन ऑल सब्जेक्ट का क्या लिखा हुआ है, टा जा ली रा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एस्पेरेंट, एस्पेरेंट रीड ऑल सब्जेक्ट सा ली ना रा। तो हम लोग से क्या पूछा हुआ है, हम लोग से पूछा है ली स्टैंड फॉर, तो ली स्टैंड फॉर, ली यहाँ कॉमन है, ली यहाँ कॉमन है, ली यहाँ कॉमन है, मतलब तीनों में तो कुछ तो कॉमन है। अब तीनों में क्या कॉमन है, देखिए तो तीनों में एस्पिरेंट मस्ट क्यू, क्यू मतलब क्वालिफाई, और क्वालिफाई इन ऑल सब्जेक्ट और एस्पिरेंट, ठीक है ना, कुछ मिसिंग नहीं है ना, ऑल एस्पिरेंट यहाँ लिखा हुआ है, ऑल एस्पिरेंट, अब दिख रहा होगा, मतलब ये ऑल कॉमन है, मतलब ली किसका हो जाएगा, ली हो जाएगा क्यू का, नहीं ऑल का हो जाएगा, सॉरी ली किसका हो जाएगा, ऑल का हो जाएगा। तो देख सकते हैं आसानी से बन जाएगा, जब बहुत ज़्यादा आपको देखना है, सोचना नहीं है इसमें, ऑल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट विल बी द कोड ऑफ जाना, जा ना किसका कोड है, तो जा यहाँ पे है, दो जगह है, ना कहाँ पे है, ना यहाँ पे है और ना यहाँ पे है, तो जा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अब दोनों में कुछ तो कॉमन होगा, ऑल भी कॉमन है, ऑल तो निकल चुका है, स्प्रेंट नहीं है, मस्ट नहीं है, क्वालिफाई, तो एक तो मिल गया क्वालिफाई, क्वालिफाई, और हम लोग को देखना ना, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो फर्स्ट और लास्ट में कुछ देखिए कॉमन है, ऑल एस्पिरेंट, मतलब एस्पिरेंट हो जाएगा, तो क्वालिफाई एस्पिरेंट, इसी को जैसे मतलब एस्पिरेंट क्वालिफाई भी लिखा होगा, तो देखिए तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब क्वालिफाई का कोड तो अभी निकाला हमने, क्वालिफाई का कोड हो जाएगा ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ना, आप लोग देख लीजिएगा क्वालिफाई का कोड क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, या जा हो जाएगा, जा हमने सर्कल किया था, जा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन बन गए, आसान होते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब कुछ बच्चा यहाँ पे देखते हैं, कुछ भी बचा तो कभी भी क्वेश्चन लाइन से नहीं बनाइएगा, जो क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं उनको पहले बनाइएगा, पजल आपको बना के आने हैं जितने भी पजल हैं, अगर कोई हार्ड पजल है नहीं जानते हैं तो उसको नहीं बनाइएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि पजल आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट कीजिएगा तो क्वालिफाई होने के ज़्यादा चांस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 और 22,
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, या देखिएगा सीरीज का कोड लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो सीरीज है एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है और एस का 19 होता है, इनका कोड को लिख लीजिए केवल। क्यू का 17 होता है और यहाँ सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, टी का 20 होता है, जी का 7 होता है, यू का 21 होता है। तो अगर हम लोग एक चीज देखें यहाँ पे, पैटर्न को समझना होगा हम लोग को। अब पैटर्न कैसे समझेंगे, 18 दो 20 प्लस 2, ठीक है, 9 दो 11 नहीं है बट घट रहा है यहाँ पे, 18 दो 20, अगर ऐसे चले हम लोग, 2 घटा 2 बढ़ा, 2 घटा 2 बढ़ा, 2 घटा 2 बढ़ा, 2 घटा, मतलब ऊपर जा रहे तो शायद घट रहा, नीचे जा रहे तो बढ़ रहा है, यही हो रहा है। तो देखिएगा एक्सपर्ट मतलब 5 24 16 5 18 और 20, तो ऊपर जाएंगे तो घटेगा मतलब 18, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा मतलब 7। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 16, यहाँ से नीचे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो घटेगा ना, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेंगे, यहाँ 26, यहाँ ऊपर जाएंगे तो घटेगा 3, यहाँ ऊपर नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा 18। अब देखिए आर पी सी आर जेड, 7 मतलब ई एफ जी, आर पी सी आर पी सी आर पी सी आर पी सी जी, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर पी सी आर जेड जी, ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया हुआ है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो पैटर्न को समझना है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आगे देखिएगा। आगे है कंपोज, COMPOSE। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पेयर खोजना है, जैसा कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है, तो आप कितने पेयर ऐसे हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में उतना ही का गैप होता है, जैसे ओ को ले लीजिए, ओ को ले लीजिए और एस को ले लीजिए, ओ का 15 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है, क्या इनके बीच में 3 अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, यहाँ भी 3 अक्षर है, MOMPO, उसके बाद PO लगातार होते हैं, OP बोला जाता है, PO बोला जाता है, ये लगातार होते हैं, एक भी अक्षर नहीं होता है इनके बीच में, MO 13, MNO एक अक्षर यहाँ पे होता है, यहाँ भी एक अक्षर है, तो कितने पेयर बन गए, 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो शायद हमने सभी क्वेश्चन कर लिया, 35 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किया, ठीक है ना, चलिए 35 क्वेश्चन फिलहाल हमने कंप्लीट किया, और इसके अलावा आपको मैं प्रोवाइड करूँगा टॉपिक वाइज भी आप प्रोवाइड करूँगा, जैसे सेलोलेज का अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जितने भी पजल 3 साल में पूछे गए हैं, क्योंकि 1 साल तो मैंने करवा दिया 2016 वाला, अब मेरे पास बचते हैं 2018 19 20 के, तो इन 3 साल के मेमोरी बेस्ड पजल मैं करवा दूँगा और DI करवा दूंगा इन 3 साल के, और जो हार्ड टॉपिक होंगे उन सबको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।